हेलो हैकर्स, वेलकम टू ऑफेंसिव हैकिंग चैनल। आज का ऑब्जेक्टिव है मालवेयर एनालिसिस प्रो टूल्स। तो आपको पता ही है, लेकिन एक अच्छा डोमेन है साइबर सिक्योरिटी में, जिसको बोलते हैं मालवेयर एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। जनरली हम लोग इसको एक ही कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, पर जनरली दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। मालवेयर एनालिसिस अलग है, रिवर्स इंजीनियरिंग अलग चीज है, राइट? तो मालवेयर, अगर मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन दूँ, तो उसको मालवेयर को किस तरीके समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से मेलिशियस प्रोग्राम इज कॉल्ड मालवेयर, राइट? ये आपको पता भी होगा जनरली। तो इसको वो थोड़ा सा आई बेसिकली यू नो सिंप्लीफाई द थिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट से वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, बैकडोर, बॉटनेट, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द मालवेयर। ओके, ये सब क्या चीज कर रहे हैं एक्चुअली इन द एंड ऑफ द सेम थिंग इज मेलिशियस प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक PDF है, या मेरे पास एक वीडियो है, या मेरे पास एक इमेजेस है, उसके पीछे में मालवेयर डाल के आई कैन सेंड टू द यूजर। यूजर जैसे ही क्लिक करता है, लाइक माई मालवेयर एग्जीक्यूट द सिस्टम एंड देन आई गेट अ रिवर्स कनेक्शन। रिवर्स कनेक्शन बेसिकली आई कैन कंट्रोल द पर्टिकुलर सिस्टम। इसको रिवर्स कनेक्शन बोलते हैं कि मैं अपने सिस्टम से किस तरीके से जो रिमोट सिस्टम है उसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? दैट इज बेसिकली रिवर्स कनेक्शन। तो ये मालवेयर भी अलग अलग तरीके के हैं, और जनरली आप अगर देखोगे तो अभी काफ़ी एडवांस मालवेयर आ गए। और मेरा इवन प्रोग्राम भी है मालवेयर एनालिसिस रिवर्स इंजीनियरिंग का, आप hackerassociate.com की वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने अभी AI बेस्ड मालवेयर डेवलप किया था। तो बहुत सारे ऐसे मालवेयर मैंने डेवलप किए हैं पास्ट में। तो इसमें ओनली होता है कि लाइक मालवेयर है एबिलिटी टू थिंक, ठीक है? तो अगर आप सोचोगे कि किसी मालवेयर के पास एक एबिलिटी है सोचने की, राइट? जो जैसा कि आप जैसे बिहेव करो उसके हिसाब से मालवेयर बिहेव करेगा, देन यू कैन थिंक दैट ओके लाइक हाउ मच डैमेज ओके यू कैन क्रिएट, राइट? कितना डैमेज कर सकते हो आप। तो ये सारी प्रॉब्लम है मालवेयर में। तो मालवेयर जनरली आप देखोगे हर कंपनी की ये प्रॉब्लम है। इसी रीजन से कंपनी ब्लू टीमर, हंटर्स, सॉक टीम, ओके, ये सब टीम वहाँ पे रहती है टू डिफेंड द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ये हमारा मेन काम होता है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हमें डिफेंड करना है इन सब चीज़ों से। तो हम इस तरीके इसको किस तरीके से एनालिसिस करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि लाइक हम मालवेयर को कैसे एनालिसिस करें और किस तरीके से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करें। तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं। तो हम लोग अभी दो टूल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। वन इज कॉल्ड बाइनरी निंजा एंड सेकेंड इज कॉल्ड IDA प्रो टूल। तो आपने शायद सुना होगा IDA प्रो, एक बाइनरी निंजा एक नया टूल है, आप उसको यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस में। तो एनालिसिस भी दो तरीके की होती है, स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस, राइट? स्टैटिक में बेसिकली वी नीड अ सोर्स कोड, मतलब हम लोग मालवेयर को रन नहीं करते, स्टैटिकली हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। डायनामिक एनालिसिस में हम मालवेयर को एग्जीबिट करते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में, और फिर हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इन सब के ऑटोमेटेड टूल भी अवेलेबल हैं, पर मैं जनरली फोकस करता हूँ जनरली मैनुअल टेस्टिंग पे। तो अभी मेरे बहुत सारे वीडियोज भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। मैंने इवन रैनसमवेयर को एनालिसिस कैसे करते हैं, मैंने वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन बेसिकली चेक द थिंग, और ये इसकी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं मालवेयर एनालिसिस प्रो टूल। तो कौन कौन से टूल्स हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टूल्स मैं आपको शो करूंगा, ये गूगल पे आप जाके यू कैन सिंपल सर्च हियर बाइनरी निंजा, वन ऑफ द ग्रेट टूल, बट ये पेड टूल है, यू कांट डू एनीथिंग हियर, तो ये आपको पे करना पड़ेगा इसका। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका प्राइसिंग, इसको क्या परचेस, काफ़ी बढ़िया टूल है ये, ठीक है? और ये आपका अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक यू कैन बेसिकली गो फॉर स्टूडेंट डिस्काउंट हियर, ओके? और मिनिमम आपका $300 का ये पर्टिकुलर टूल है, अमेजिंग टूल है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सी टूल, अगर देखो सपोर्ट करता है विंडोज, लिनक्स, मैक में भी सपोर्ट करता है। डिसअसेंबलर है यहाँ पे, डिकम्पाइलर है, हैक्स एडिटर है, और बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट? काफ़ी बढ़िया टूल है एक्चुअली। और यहाँ पे एक इमेज थी एक्चुअली जो है इसके होम पेज पे, दे वॉन्ट टू शो यू, ये इसके मेन फीचर है, डिबग, कोलोबरेट, ऑटोमेट, डिकम्पायर, डिसअसेंबल एंड एनालाइज, ये इसके फीचर्स हैं। एक और टूल है जो कि मेरा फेवरेट है, IDA प्रो, ये वाला। तो अगर IDA प्रो पे अगर आप जाके चेक करोगे, दिस इज IDA प्रो, ये इसका फ्री एडिशन भी अवेलेबल है, आप फ्री एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जस्ट गूगल पे जाके IDA प्रो ट्रायल वर्जन सर्च कर लीजिए, IDA प्रो फ्री वर्जन सर्च कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो काफ़ी बढ़िया टूल है, और जितने भी रिवर्स इंजीनियर हैं और मालवेयर रिसर्चर हैं, दे आर यूजिंग दिस टूल बाइनरी निंजा एंड IDA प्रो। ऐसे बहुत सारे टूल्स और हैं, इसके बारे में इतना मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं आपको इतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो दो टूल्स हैं, ये आप अपने टूल बॉक्स में जरूर रखिए इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ मालवेयर एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग डोमेन।
अब इसको कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पैरेलल डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने विंडोज मशीन को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा पैरेलल डेस्कटॉप है और यहाँ पे मैंने सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं। तो चेक करते हैं, मशीन स्टार्ट हो रही है। आफ्टर दैट ओके, यू कैन सी ऑन माई डेस्कटॉप आपको यहाँ पे मिल जाएगा IDE Pro 64 bit, राइट। तब इसको यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर लीजिए या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यू कैन ओपन इट अप। तो मैं यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट, सैंपल्स मैंने यहाँ पे काफ़ी सैंपल यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आपके पास कोई भी मालवेयर हो या कोई भी फाइल हो, अगर आपको एनालिसिस करना है आप यहाँ पे जाके इसको एनालिसिस कर सकते हो, डिसअसेंबल अ न्यू फाइल, और उस फाइल को आप इम्पोर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में ये फाइल है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, सो क्लिक करता हूँ ओके। तो इस तरीके का कुछ आपको IDE Pro दिखेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। इस जगह पे सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका है ये IDE व्यू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये आपको ग्राफिकल वर्जन दिखाएगा इसका, यानी ग्राफ वर्जन, ठीक है। तो इसको वापस कंट्रोल ई के साथ मैं इसको कट कर लेता हूँ, स्टार्ट क्लियर ओके। और ये इसका हेक्स व्यू है, ये स्ट्रक्चर है, ये इनम है, ये इम्पोर्ट्स और ये एक्सपोर्ट्स। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे जितने भी फंक्शन यूज हुए हैं उस प्रोग्राम में वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो हम बात कर रहे थे एक्चुअली IDE व्यू की, तो ये IDE व्यू है हमारा। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई के साथ, एक बार चेक करते हैं क्या उनका आउटपुट आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है, इसको वापस कंट्रोल ई के प्रेस करते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ से, राइट। और अगर मैं इसको व्यू में जाके चेक करता हूँ ग्राफ्स, तो यहाँ पे आपको ग्राफ पे क्लिक कर सकते हो, फंक्शन कॉल्स, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सारे फंक्शन कॉल जो जो भी हुए आपको दिखाया गया। तो दिस हाउ इट इज। तो आप रियल टाइम में सारी चीज़ें पता लगा सकते हो, राइट। तो आपने एक फाइल को इम्पोर्ट किया, आप ग्राफ व्यू पे गए, तो आपने फाइल को इम्पोर्ट किया, आप ग्राफ व्यू पे गए, आपने ग्राफ व्यू से इमीडिएटली चेक कर लिया कौन कौन से फंक्शन यूज हुए हैं इस प्रोग्राम में, जैसे कि एफ राइट, एग्जिट स्ट्रिंग कैट, एफ ओपन, मेम कॉपी, मेमोरी कॉपी, मेम सेट, प्रिंट एफ, इस तरीके के कुछ फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं। तो हम लोग इससे रिवर्स इंजीनियरिंग करते जाते हैं, हमारी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाती है, उसको हमको ऑडिट करना होता है, राइट। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है इसी चैनल पे जिसका टाइटल है मालवेयर ऑडिट रिपोर्ट एनालिसिस, आप इसको इसके बाद जरूर देखना, तो यू विल गेट एन आइडिया कि आपने जो भी एनालिसिस किया उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो आप उसको वीडियो को देख लेना, मैं आपको इसके लिंक भी कमेंट सेक्शन पे आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये आपका पहला सेक्शन, आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा सेक्शन इसका ये है कि यहाँ पे सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे हैक्स है, तो आप हैक्स का मतलब आप जो भी आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो यू कैन हाइड एनीथिंग ओके हियर, तो ऑल इन्फॉर्मेशन यू विल एबल टू गेट इट अगर आपके पास हैक्स व्यूअर है। और ये इनबिल्ड है, इस टूल का मेन फंक्शन है ये स्ट्रक्चर है और ये इनम्स है, जो मेरा फेवरेट पार्ट है इम्पोर्ट्स ये वाला। तो आप यहाँ पे देखोगे ये सारे इम्पोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और ये आपका एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। और आप डबल क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये ग्राफ हो गया, ये सब व्यूज हो गया, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे स्ट्रिंग्स, आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स चेक कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रिंग्स इस फंक्शन में जो भी यूज होगी वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, राइट। दूसरा, इस सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली लोगों का होता है कि लाइक हम IDE Pro से डायनामिक एनालिसिस कर सकते हैं क्या? तो यस, वी कैन डू डायनामिक एनालिसिस विद हेल्प ऑफ IDE Pro, बट नॉट दैट इफेक्टिवली, ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग टूल यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि विन DBG है, ओली DBG है, लाइक देयर आर मेनी अदर टूल्स आर अवेलेबल, आप उसके थ्रू डायनामिक एनालिसिस कर सकते हो। पर यस, IDE Pro के थ्रू भी आप कर सकते हो कुछ हद तक, राइट। ये इसकी बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पे है, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो कभी मुझे फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि आप IDE Pro के थ्रू डायनामिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो दिस ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट, दैट विल मोटिवेट अस टू रिकॉर्ड द वीडियो लाइक दैट। थैंक यू, जय हिंद।